शाहिद की कास्टिंग, आपने भी चाय पे चर्चा करके एक बड़ा काम किया। शाहिद की कास्टिंग, राजकुमार यू फाइनलाइज हिम ओवर चाय पे चर्चा। अगला गुजराती प्राइम मिनिस्टर हम कब देखेंगे? I'm not ready for elections yet. Oh, but not ready. अभी I want to focus on my filmmaking career. अच्छा, चाय पे चर्चा पे और क्या-क्या कर चुके हैं आप? हाँ, नहीं मैं मतलब देखिए, I enjoy the company of fellow artists. मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे अनुराग है, अनुभव है। पर अनुराग कहाँ चाय है? नहीं वही वो चाय, आप जिसको चाय बोलते हो वो हमारे लिए चाय है। बट नहीं, बट वी जेन्युइनली, और ये मतलब गलत फहमी है कि हम लोग सिर्फ शराब पीने मिलते हैं। वी हैंग आउट जस्ट टू टॉक अबाउट आर वर्क, एक दूसरे को काम दिखाने के लिए। आई मीन दैट एक जो यू नो स्कैम के शुरू के एडिट्स है, मैंने न जाने कितने कोलीग्स को दिखाए, क्योंकि था कि यू नो हम एक नैरेटिव ट्राई कर रहे थे। जब पहला सीजन बना था तो वी वर ऑल्सो वेरी अनश्योर, हम पैंडेमिक में थे, हमें पता नहीं था कि हम जो कर रहे हैं वो क्या समझ में आएगा लोगों को, क्योंकि इतने ज़्यादा उसमें फाइनेंशियल डिटेल्स थे, इतना कुछ इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ था। तो मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को दिखाया, तो मैनी ऑफ देम सेड कि बहुत अच्छा है। कुछ दोस्त थे जिन पर बहुत भरोसा करता हूँ, उन्होंने कहा यार ये किसी को समझ में नहीं आएगा। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये चलने वाला है। कौन से दोस्त? नाम नहीं बताऊंगा। अरे ये तो दोस्त फिर लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन वही है कि सी हम अंडरएस्टिमेट करते हैं ऑडियंस को। आई थिंक ईमानदारी से कहानी कहना ज़रूरी है, एंड दैट्स व्हाट हम लोग चाय पे चर्चा जो करते हैं उसमें भी वही करते हैं। ईमानदारी से अपनी बातें, अपनी कहानी कहते हैं। मतलब आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम नॉट समबडी हु टेक्स sides for the heck of it. मेरी एक ही आइडियोलॉजी है, वो है स्टोरी टेलिंग, एंड स्टोरी टेलिंग अबाउट थिंग्स दैट आई फील स्ट्रांगली अबाउट, एंड कैरेक्टर्स दैट आई फील कंपेल्ड टू टेक टू द वर्ल्ड। दैट इज माई ओनली आइडियोलॉजी, दैट इज माई ओनली वे ऑफ लाइफ, एंड मैं वो करते रहूँगा। काम कर रहे हैं जी बापू पे है। अगले गुजराती स्टेट्समैन पर आप कब कुछ बनाना चाहेंगे? लिविंग गुजराती स्टेट्समैन पे प्लान जब मतलब अभी और बहुत काम करना बाकी है उनको। बहुत कुछ बाकी है उनको, बाकी है। हाँ मतलब वो अभी बहुत बाकी है। अभी बापू के बारे में हम बना रहे आफ्टर 1948, यू नो एक डेफिनेटिव फिल्म बनी थी रिचर्ड एटनबरो की, एक श्याम बाबू ने मेकिंग ऑफ द महात्मा बनाई है। उसके अलावा मतलब बहुत कम एक्चुअली इस फॉर्मेट में बनाया गया, खासकर लॉन्ग फॉर्म में तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ किया, एग्जॉस्टिव कुछ किया नहीं है किसी ने। तो वो करने के लिए मतलब एक पूरी ज़िंदगी बीत जाती है उस शख्स को अपना कार्य ख़त्म करने के लिए, और हमें उस कार्य को समझने के लिए। मैंने कुछ नहीं कहा, हंसल कह रहे हैं। जब इतनी प्यारी बातें चल रही हैं अहिंसात्मक, तो एक और वायरल इन्फेक्शन वाला सवाल, कंगना से आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी? मुझे याद नहीं है, डोंट रिमेम्बर। याद नहीं मतलब आई डोंट रिमेम्बर। हमने मतलब ऑनलाइन शायद बात हुई थी, उसमें कहा था कि आप आइए सर, लेट्स मीट, कॉफ़ी पीते। भाई ये सारी चीज़ें ना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कही गई। अल्टीमेटली वी आर ऑल आर्टिस्ट, हम अपना काम अपने दायरे में रह के करते हैं, एक दूसरे का हम अप्रिशिएट करते हैं, कभी कभी एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कभी कभी हम एक दूसरे के साथ काम करने में मतलब शायद ट्यूनिंग नहीं बैठती है। उसका मतलब ये नहीं कि वो कम है या मैं कम हूँ। फेयर पॉइंट, पर क्या किसी को आर्टिस्ट या कलीग की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपको एज ए कलीग अफेक्ट करती है सो मच सो दैट कि जैसे ज़ीशान अय्यूब एक एक्टर हैं जिन्होंने बोला कि भाई अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपके साथ नहीं मिलती है तो प्रॉबेबली आई वॉन्ट वर्क विद यू और टॉक टू यू। आर यू, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वेयर योर आइडियोलॉजी, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू
यूज इट टू डील विद अदर पीपल. हाउ यू वॉट इट अल्टीमेटली डज टू योर सेंस ऑफ एम्पथी. मैं आप में एम्पथी ढूंढ रहा हूँ, आइडियोलॉजी नहीं ढूंढ रहा हूँ. इफ़ यू हैव एम्पथी आई एम विथ यू. आप जहाँ से भी हो, लेफ्ट राइट सेंटर अप डाउन यू नो आसमान पाताल कहीं से भी हो आप आई थिंक ह्यूमैनिटी एंड एम्पथी आर बिगर देन ऑल दीज मैन क्रिएटेड डिफरेंसेस. हंसल आप मुझे पता नहीं क्यों से वो मौसा जी वाली फीलिंग दे रहे हो जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं. मतलब आप मुझे फोर्स कर रहे हो मौसा जी वाली बातें करने को. मैं मतलब यहाँ आया हूँ मतलब इस स्कैम की बात, इस देश के मतलब शायद सबसे बड़े स्कैम के बारे में, 30,000 करोड़ रुपए का स्कैम जो मतलब इन्होंने किया था उसके बारे में चर्चा करने. मतलब अगर इन्होंने किया था तो या तो ये गलत जगह पे हैं या हम गलत जगह पे बैठे हैं. गगन मुझे बताइए कि जैसे एक टाइम पर अगर पर्दे पर विलन्स को दिखाया जाता था तो वो एग्जैजरेटेड कई बार 90s में जैसे विलन्स होते थे, सबकी पंच लाइन होती थी, सबका एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन और ये सब कैरी करना. इफ़ यू व्हाट वाज द ब्रीफ टू यू कि तेलगी को प्ले करने के लिए क्या क्या चीज़ों को नहीं करना है? एक्चुअली जब सर ने मुझे कहा था कि इसको तुम इसके बारे में कोई जाके रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इस कैरेक्टर के बारे में इंटरनेट पे क्या लिखा है, कैसे किसी ने किस जर्नलिस्ट ने इनके बारे में किस किन शब्दों में इनके बारे में लिखा है, उन सब में घुसने की ज़रूरत नहीं है. मैं जिस किताब पे ये बेस्ड है वो भी तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो हमने पढ़ लिया और हमको पता है कि हमें क्या दिखाना है. तो मुझे एक बात बताई गई थी, उसको किसी और की नज़र से नहीं देखना है तुम्हें. अगर तुम वो कैरेक्टर होते और अपनी नज़र में तो हर इंसान हीरो ही होता है. वो अपनी दुविधाओं को जानता है, अपनी प्रॉब्लम्स को जानता है, अपने ऊपर हुए अत्याचारों को जानता है या क्या उसकी लाइफ रही है वो जानता है. तो तुमको ये इस नज़रिए से उसको देखना होगा. अदरवाइज जैसा आपने कहा कि वो जो वो सब नहीं करना है, ये कैरिकेचरिस्ट नहीं करना है. इसलिए उन्होंने ये भी नहीं कहा मुझे कि इसको कॉपी करो या इसकी नकल उतारो या कुछ करो. तो उसमें भी कोई फुटेज नहीं देखी है मैंने, सिर्फ उनके वो एक इंटरव्यू सुनी थी जो उनको जो जेल की गाड़ी में जो लेके जा रहे थे और ही सेड समथिंग लाइक के दिस यूज्ड टू हैपन एट ब्रिटिश टाइम आल्सो. ये तो तब भी होता है, अब भी होता है, बस पीपल हैव चेंज बट दिस इज बिजनेस. तो आई जस्ट टुक दैट लिटिल नोट ऑफ के उन्होंने जिस स्टाइल में वो बोला था मैंने बस उसका सुर पकड़ने की कोशिश की, नॉट दैट कॉपिंग इट, बट अगर मैं उस नोट को अगर पकड़ के रखूंगा थ्रू आउट तो शायद मुझे मिल जाएगा वो. फिर मैंने सर को भी पूछा कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, तो सर ने मुझे कहा कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको करो एज लॉन्ग एज इट लुक्स नेचुरल, ही लुक्स लाइक अ रियल पर्सन एंड नॉट लाइक अ कैरिकेचर ऑफ सम यू नो कि जो इंटरनेट पे दिख रहा है या लोगों ने उसको कैसे पोर्ट्रेट किया है. सो दैट्स द अप्रोच आई टुक. नाउ यू गगन, यू प्लेड द कैरेक्टर, ऑब्जेक्टिवली एक दूसरी जगह खड़े होकर के आप तेलगी को कैसे डिफाइन करोगे? एक रियल कैरेक्टर जिसने ये किया है जो उसके हिसाब से सही था, लेकिन मैं ये पहले भी एक दो इंटरव्यूज में कह चुका हूँ एंड आई विल स्टिक टू दैट कि आई थिंक ही हैड अ मार्वलस ब्रेन. इतने बड़ी चीज़ को पुल ऑफ कर पाना, इतने बड़े नेक्सस को चलाना, इट्स नॉट कोई बच्चों का खेल नहीं है वो. ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन जिस काम के लिए वो दिमाग यूज़ हुआ, बट अगर वो काम कोई बढ़िया जगह यूज़ होता या किसी ने उसको गाइड किया होता या कुछ उसकी मदद की गई होती तो शायद वो ब्रेन हम आज हमारे इंडिया का सबसे मार्वलस ब्रेन होता और कहानी ही अलग होती. ऑफ कोर्स, मतलब कि इतनी बड़ी चीज़ों को पुल ऑफ करने के लिए आप एवरेज आईक्यू वाले तो बंदे नहीं हो सकते. हैव यू एवर ओके फॉर एन एक्टर एंड इज हंसल मेहता अ डिफिकल्ट पर्सन टू वर्क विद? नो, नॉट एट ऑल. नाराज होते हैं? ना, बिल्कुल भी नहीं होते हैं. मतलब ये ऐसे नाराज होते हैं जैसे बच्चा बोल रहा है कि यार ये मत कर, ये मैं आउट नहीं था, वैसा वाले नाराज होते हैं. सर क्या रहा है कि मतलब बहुत सारे बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं. हमने ऐसे डायरेक्टर्स के बारे में सुना है जो चिल्ला चौट सामान तोड़ना लोगों पर. व्हाट इज वर्स्ट, सिर्फ इतना होता है तुम देख नहीं रहे हो यार, देखो ना एक्टर को क्या कर रहा है.
देखो ना बस इतना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई यू नो घर में बैठा मैंने कहा था मौसा जी वाइब्स हैं, पापा डांट रहे हैं बस ऐसे करके, अरे देखो ना क्या कर रहे हैं देखो ना, मैंने कहा इससे ज्यादा ये गए नहीं कर एंड ही इज वेरी लाइक ही इज द मोस्ट एजाइल पर्सन ऑन द सेट, लाइक मैं कभी बैठते नहीं है, हमेशा शोगन के पास खड़े रहेंगे और अगर इनको कुछ बताना है तो कहीं से भी भीड़ में से निकल के सडनली आपके पास आएंगे, गगन ये मत करना ऐसा करके देख इसको इतना रहने दे, और फिर वहां पर सब 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 करके चले जाते हैं शोगन के पीछे। तो ये टेक्नीशियंस पे ज्यादा नाराज होते हैं एक्टर्स पे? ये सबके साथ एक जैसा ही रहते हैं, जैसे मैं अगर सही नहीं टर्न ले रहा हूँ या इनको चाहिए कि टाइमिंग थोड़ी सी बदलनी है तो ये मुझे भी आके कहेंगे, और अगर फोकस पुलर मेरे हिसाब से उसको नहीं दे रहा है अटेंशन, कि जब जैसे हमारे जो फोकस पुलर थे मुझे याद है वो अपने हिसाब से कुछ अपना एक फोकस उन्होंने अपना डिज़ाइन बनाया हुआ था, इन्होंने जाके उसको कहा कि नहीं गगन तेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तू गगन के हिसाब से चलेगा, तुम एक्टर के लिए बने हो तो एक्टर को फील करो और उसके हिसाब से फोकस पुल करो, यू नो यू नीड टू लाइक टॉक टू ईच अदर, तो सबके साथ। तो ही मतलब एडिटर भी हैं राइटर भी हैं और आपने बताया कुछ नहीं हूं ना एडिटर हूं ना राइटर हूं, क्यों आपने शुरुआत के सारे एपिसोड्स? हां लेकिन वो मतलब मैं ना एडिटर हूं ना राइटर हूं ना डायरेक्टर हूं, मैं तो बस हैशटैग ह्यूमिलिटी खेल रहे हैं आप यहां। नहीं ह्यूमिलिटी नहीं, मैं आई एम एन एक्सीडेंट। हां नो वंडर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में आपका योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके मुझे बताइए, कोई भी सवाल पूछ सकता हूं? ओके, सेक्स कॉमेडीज बनाने के लिए इंसान को कितना हरामी होना पड़ता है जहन से? बहुत मुश्किल काम है, मैंने बनाई है 2001 में ये क्या हो रहा है, एंड इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉनर्स टू पुल ऑफ, क्योंकि ह्यूमर मेंटेन करना है, वल्गैरिटी को आपको वल्गैरिटी की तरह देखना नहीं है, सेक्स को आपको वल्गर तरीके से देखना नहीं है, नज़रिया आपको मतलब वो रखते हुए ह्यूमर रखना है, एंड इंटेंशन क्या है सेक्स कॉमेडी का वो भी मतलब आपको ऑडियंस तक ले जाना है वो इंटेंशन को, तो मैं उसमें मतलब मैं मानता हूँ उस फिल्म में मैं 20% सक्सीड हुआ था, एंड मैंने कान पकड़ लिया कि भाई तुम्हें आता नहीं है। आपने खुद कभी देखी सेक्स कॉमेडी? हाँ अच्छा, मैंने कौन सी? अमेरिकन पाई देखी है जिसको मतलब उठाया, बाइबल माना जाता है जिसको, ये क्या हो रहा है मैं उठाया था, मतलब अब क्या छुपाना, तो वो देखिए अच्छा किया था, इट वॉज सो गुड, आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड एक्चुअली उसमें अमेरिकन पाई में उन्होंने कैसे सेक्स आउट एंड आउट सेक्स कॉमेडी को इमोशनल बनाया था ना, बट आई थिंक आई एम रेडी टू डू दैट टुडे, आई कुड मेक इट टुडे, आई कुड परहैप्स प्रोड्यूस इट, आई कुड हेल्प अ डायरेक्टर डू इट बेटर, आई कुड मतलब। आपको अपने अपने बारे में क्या सोचा था, परसेप्शन का फर्क पड़ता है उससे? नहीं नहीं वो लेकिन कई बार लोग मुझसे जो एक्सपेक्ट करते हैं ना वो मतलब मैं जब भी कुछ ऐसा करता हूँ जो मैंने किया नहीं है ज़्यादा, तो लोग कहते हैं हाँ वो लेकिन वैसा वो ये शाहिद जैसा नहीं था, अब छलांग शाहिद जैसे कैसे हो सकती है, यू नो छलांग छलांग है शाहिद शाहिद है, तो वो हालांकि आई डोंट गेट बॉक डाउन बाय दैट, मैं आई कीप ट्राइंग आई कीप डूइंग डिफरेंट थिंग्स, वो कभी रुकेगा नहीं, मतलब मुझे लगता है स्कैम सीरीज़ जो है 1992-2003 मेरा सबसे कमर्शियल काम है, इट इज़ यू नो पॉपुलर, एक उसमें वन लाइनर्स है, तीखापन है, मस्ती है, एट द सेम टाइम हमारे देश का एक आईना है। अभी करंट क्रॉप में अगर आप किसे देखते हो कि इफ यू हैव टू कास्ट इन अ सेक्स कॉमेडी अमंग्स द ए लिस्टर्स हुम वुड यू कास्ट इफ यू हैव टू मेक इट? यार वो तो मतलब आप जो सवाल पूछ रहे हो वो मतलब उनके साथ शौक ही नहीं बन सकती है। ओके तो मतलब आप यूथफुल सेक्स कॉमेडी की का पूछ रहे हो तो मतलब थोड़ा वक्त लगेगा। आपके कहने का मतलब वो भी काफी यंग है हमारे ए लिस्टर्स? बहुत यंग है, मतलब 50 से 60 में की कैटेगरी। हाँ नहीं लेकिन शौकीन मतलब कितनी कमाल फिल्म थी। हाँ हाँ तो आई थिंक यू नो उस तरह का पहली वाली दूसरी वाली पहली वाली दूसरी वाली देखी नहीं मैंने इसलिए मैं मतलब वो दैट वाज ओरिजिनल एंड आई हैड सो मच फन वॉचिंग दैट फिल्म, मतलब इतना इतने कमाल के एक्टर्स हैं, मतलब उत्पल दत्त, ए के हंगल, ओम प्रकाश थे ना, हाँ मतलब इट वॉज सच अ एंड मिथुन चक्रवर्ती वो जो डाइट का जो रति अग्निहोत्री मिथुन
ओम प्रकाश नहीं अशोक कुमार थे, अशोक जी, अशोक जी थे, अशोक कुमार एके अंगल और उत्पल दत्त, उत्पल दत्त, यस यस, मतलब उनका मतलब आप देखो इट वाज सो गुड, इट वाज सो, वो एक्टर्स कितने कमाल थे एंड उन्होंने कितने मतलब ईज के साथ वो कर दिया, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं थी। मतलब मुझे याद है मैं आई वॉज इन स्कूल दैट टाइम, मेरे पेरेंट्स गए थे और बड़े मतलब स्कैंडलाइज्ड वापस आए थे, अरे मतलब ये क्या कर दिया, ऐसी फिल्म मतलब बनाते ये लोग, यू नो बसु चैटर्जी ने बनाई थी तो बहुत बहुत ज़्यादा, वो पिक्चर शायद उस वक्त चली नहीं थी, इट्स लेटर दैट पीपल डिस्कवर्ड द फिल्म, रीडिस्कवर्ड द फिल्म एंड आज मतलब ना इट्स सीन एज अ सॉर्ट ऑफ कल्ट क्लासिक। ये अक्सर वर्क दैट इज अहेड ऑफ इट्स टाइम्स उसके साथ अक्सर होता ही है। सिटी लाइट्स, शाहिद, उमरता, अलीगढ़, राजकुमार राव अपने आधार कार्ड पे लोकल गार्जियन में आपका नाम कब डाल रहे हैं? वो दिल में है ऑलरेडी। अच्छा, वो बात दिल में हमेशा से। इज ही योर फ्रेंड और इज ही योर स्टूडेंट? ही इज फैमिली, हिज फैमिली। एक तो मैं पीआर को बिजी रखने के लिए हमने वो एक जो मंडली बनाई थी वो उसका क्या हुआ? ऑलराइट, सो देयर आर सर्टेन कुछ स्कैम्स जो हिंदुस्तान में हुए हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा, आपको आइडेंटिफाई करने वो कौन से स्कैम्स हैं। अच्छा जी, तो देख लेना। दोनों नहीं, ऐसे थोड़ी सेफ थोड़ी खेल नहीं सेफ नहीं, मेरे नॉलेज सही नहीं है, आप जनरल नॉलेज एक्सपोज कर दो। एक टेलीकॉम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा था 2008 में, ये स्कैम हुआ था और सीएजी ने एक रिपोर्ट बनाई थी। 2G स्कैम है, 2G स्कैम नोशनल स्कैम था हालांकि। वंडरफुल, ये तेजी। खेलकूद से जुड़ा एक स्कैम था जो दिल्ली में हुआ था, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स का। थोड़ा बहुत सही जवाब, माशाल्लाह। पहले हम्बल खेल करके से फिर ऑलराइट। ये 14,000 करोड़ का फ्रॉड था, ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हुआ था और कंपनी को चलाने वाले राजू साहब सत्यम कंप्यूटर्स में, सत्यम कंप्यूटर्स एक ब्राइब लेके टैक्स इवेजन का, ब्राइब लेकर टैक्स इवेजन और एक खेल से जुड़ा एक स्कैम था। वो खेल हमारे देश में बहुत पॉपुलर है, आईपीएल, और एक स्कैम तो नहीं कहूंगा लेकिन आइडेंटिफाई करना है आपको। एक साहब थे जो जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी, फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, फिर हिंदुस्तान, फिर फिजी, फिर कुछ काम, फिर थोड़ा सा एक छोटा सा शो। वाह, नहीं, नो आईडिया। इंडिया बिगेस्ट स्कैम एक्चुअली मैं वहां तक पहुंचा जरूर था क्योंकि इन्होंने, इनको किसी ने पूछा था पिछली बार के अगला स्कैम आप कौन सा बनाने वाले, तो उन्होंने अगला स्कैम मेरे ऊपर बनेगा कि मैं डायरेक्टर कैसे बना। डू यू रियली कंसीडर योरसेल्फ एन एक्सीडेंटल फिल्म मेकर? आई गेट अप एवरी डे वंडर कि मैं मतलब मुझे कुछ याद है कि नहीं, सो आई गो ऑन सेट्स नॉट नोइंग एनीथिंग। तो वो उसको जेन स्टेट बोलते हैं बट इट इज अ स्टेट ऑफ ऑल्सो वेरी इनसिक्योर स्टेट। आप सोचते हो कि मैं आज क्या करूंगा, आई गो ऑलवेज गो लाइक दैट। अब इट्स बिकम अ वे ऑफ लाइफ, आई गेट अप एवरी डे नॉट नोइंग व्हाट द डे हैज फॉर मी एंड अच्छा लगता है वो, दैट्स हाउ यू लिव। चलते इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछे कि सर आपके साथ काम करना है कैसे कह जा सकता है, तो तरीका क्या है? हाँ, मुकेश छाबरा का नंबर ले लीजिए मेरे से। नहीं नहीं, एक्टिंग नहीं करनी है, बाकी मतलब आप मेरा नंबर ले लीजिए। मैं लूंगा कैमरा ऑफ होने पे। बट ग्रेट, वंडरफुल टॉकिंग टू यू बोथ ऑफ यू एंड वी होप, आर यू ट्रीटिंग स्कैम एज अ सीरीज, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3? यस इट इज, आई मीन इट इज डेवलपिंग इनटू अ फ्रेंचाइज वी, बट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ स्टोरीज हर सीजन में नए स्टोरीज होते हैं, उस पर रिसर्च काफ़ी होता है। इट्स नॉट समथिंग दैट कैन हैपन एवरी 12 मंथ्स, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, यू नो मतलब वो द होल प्रोसेस फ्रॉम राइटिंग, डेवलपमेंट, कास्टिंग, प्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें। तो बट यस वी आर होपिंग, मतलब लोगों जो कामयाबी अभी मिली है इट जस्ट मोटिवेट्स अस कि अभी थर्ड सीजन बनना चाहिए। लेकिन वो देखिए अभी, अब तक तो
अभी तक लेकिन कुछ हुआ नहीं है. आई एम टॉकिंग एज अ डायरेक्टर कि मतलब कुछ नया करने मिले अभी कास्ट. बट अभी तक तो जितना रिपोर्टेड उसमें कुछ ऐसा समझ आया नहीं है ज्यादातर. अब रहने दीजिए. कुछ है, कुछ है. Wonderful. Thank you so much, Hansal and Gagan bhai.